वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 27 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का लोकार्पण किया है। गाजियाबाद में भी आज एक साइबर थाने का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता करणवीर कश्यप ने गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर दिनेश पी से बातचीत की है। साइबर ठगों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री ने 57 नए साइबर जो थाने हैं उनका वर्चुअल उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। हम गाजियाबाद में मौजूद है और गाजियाबाद में भी ये पुलिस लाइन में प्रोग्राम रखा गया। जो एडिशनल CP दिनेश पी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या क्या चीज़ है? देखिए, आज तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर तमाम योजनाएं लोकार्पण किए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे पुलिस लाइन्स है, बैरक्स है, पुलिस बिल्डिंग्स है, और साथ साथ जो पहले मात्र 18 साइबर पुलिस स्टेशन थे जो रेंज हेडक्वार्टर्स में, वो उसको उसके साथ 57 और जोड़े गए, टोटल 75 साइबर पुलिस स्टेशन हो गए हैं। उसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, और जिसे लोगों की जो साइबर क्राइम की समस्या को लेकर सरकार की बहुत अच्छा एक कार्य योजना है, जिससे कि लोग इधर उधर भटकना ना पड़े, सीधे जाके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। सर, शिकायत को लेकर के जो फरियादी है वो बहुत भटकते रहते थाने से थाने पर, अब कुछ राहत मिली? ये हमेशा उनको राहत देने के प्रयास किया गया है। नॉर्मल जो अपराध है तुरंत ही FIR दर्ज हो जाता था, बट कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड ट्रेनिंग की कमी की वजह से पुलिस कर्मचारी समझ नहीं पाते थे, बट अब हर एक थाने में भी साइबर क्राइम सेल है और पूरा जनपद लेवल पे एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इनको कहीं भी जैसे भी सुविधा है वहाँ पहुँच सकते हैं, उनके FIR दर्ज किया जाएगा और 5 लाख के ऊपर जो साइबर क्राइम है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से व्यवस्था है। असर, किस तरह का एक्सपर्ट जो स्टाफ है? तो उनको जो ट्रेंड स्टाफ है उनको रखा गया, जो 3 ट्रेनिंग कोर्सेज जो है NCERB पोर्टल के माध्यम से जो कराया जा रहा है उसमें रखा गया है, उनको ट्रेन करके रखा गया है और फर्दर भी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी इनको दिलाते रहे। गाजियाबाद में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ है, काफ़ी आगे है, तो ऐसे में कुछ स्पेशल स्टाफ के लिए कुछ? देखिए, मैंने पहले भी कहा था हर जगह ट्रेन स्टाफ नहीं होते हैं, हमारा इनको पोस्ट करने से पहले और पोस्ट करने के बाद भी इनको 3 लेवल का कोर्सेज कराया गया, तो इस लेवल पे इनका ट्रेनिंग हुआ है और ये शुरुआती है, आने वाले समय में और इनको ट्रेनिंग कराते हैं। तो आने वाले समय में जो साइबर थाने हैं वो और मजबूत होंगे और लोगों को उसका लाभ मिलेगा, चूंकि लगातार जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी खाका तैयार कर दिया है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।